पिछली गनपाउडर वाली वीडियो के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि उनको इस वीडियो के अंदर कुछ समझ में नहीं आया, और एक भाई ने कमेंट किया था कि इस वीडियो को दोबारा बनाओ, यानी कि गनपाउडर दोबारा बनाकर दिखाओ। तो इस वीडियो के अंदर आपको ब्लैक पाउडर यानी कि गनपाउडर दोबारा से बनाकर दिखाएंगे। बेस्ट गनपाउडर बनाने के लिए हमें 75% पोटेशियम नाइट्रेट और 15% कोयले की और 10% सल्फर की जरूरत होती है। इनके मिक्सचर से एक बेस्ट गनपाउडर बनता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको बिना किसी मेजरमेंट के गनपाउडर बनाकर दिखाएंगे, वो भी एक परफेक्ट गनपाउडर। अब हम बना रहे हैं गनपाउडर के अंदर डालने के लिए कोयला। तो कोयला बनाने के लिए आग की लकड़ियाँ बेस्ट मानी जाती हैं। आग की लकड़ियों से बने कोयले से बना हुआ गनपाउडर बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता है। लकड़ियों के पूरी तरह जल जाने के बाद हम इसे कोयला बनाने के लिए इस पर पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद जब ये कोयले ठंडे हो जाते हैं तब इनको हम पीस लेते हैं। तो अब हम इस पीसे हुए कोयले को किसी बारीक छेद वाले कपड़े के अंदर से छान लेते हैं। कोयले के छन जाने के बाद अब बारी आती है पोटेशियम नाइट्रेट डालने की। तो आपको पोटेशियम नाइट्रेट इतना डालना है कि जितना आपने कोयला यूज किया उसका डबल मात्रा का पोटेशियम नाइट्रेट आपको यूज करना है। तो ये है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। इस पोटेशियम नाइट्रेट को भी हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को भी पीसने के बाद एक बारीक छेद वाले कपड़े के अंदर से छान लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट और कोयले के छानने के बाद अब हमें जरूरत है सल्फर की। तो सल्फर हमें इतना यूज करना है कि जितना हमने कोयला यूज किया है उसकी आधी मात्रा का सल्फर हम यूज करेंगे। तीनों चीज़ों के अच्छे से छन जाने के बाद तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद इन्हें अच्छे से पीट लेते हैं। कोयला बनाने के लिए हमने जो पानी डाला था उसके कारण यह गनपाउडर अभी भी गीला है। तो अब हम इसे धूप के अंदर सुखा लेते हैं। बारूद के सूख जाने के बाद हमारा गनपाउडर जो है तैयार हो चुका है। अब इसका टेस्ट करने की बारी है, हम इसको टेस्ट करके देखते हैं।